हाय फ्रेंड, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान इस ग्रह की सबसे प्रमुख प्रजाति है। वर्तमान समय में इंसान दूसरे सभी जीवों की तुलना में सबसे अधिक उन्नत और शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। जब इंसान पृथ्वी पर नहीं जन्मे थे तब भी समय का पहिया चलता रहता था, और जब इंसान नहीं रहेंगे तब भी समय का पहिया चलता रहेगा। वास्तव में हम इंसान ने इस प्रकृति को कुछ नहीं दिया है, उल्टा हमने इसको दोनों हाथों से प्रकृति का विनाश किया है और लगातार प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का खमियाजा अन्य जीवों का भी भुगतना पड़ रहा है, और हम लोग इस पृथ्वी पर लगातार पाप करते आ रहे हैं। इसलिए अगर मांग चलिए, आप ऐसा सोचिए क्या होगा जब हमें छोड़कर पृथ्वी के सभी जीव लुप्त हो जाएं और आप इंसानी जमात के आखिरी इंसान बच जाएं। ऐसा सोचना वास्तव में काफ़ी भयानक और डरावना एहसास है। अगर मानकर चलिए कि आप अकेले बच जाएं, तो सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर रहेगा कि आप सच में जिंदा है या सभी के तरह मर गए हैं। ऐसा होने पर आप बेचैन होकर निश्चित ही आप रोज कई सौ किलोमीटर दूर घूमेंगे अपने जैसे दूसरे जीव को तलाशने के लिए। सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम मिलेगा, लेकिन कोई इस गाड़ी को चलाने वाला नहीं मिलेगा। निश्चित ही समझें कि इन गाड़ियों के मालिक आप हैं। जो चाहें वो गाड़ी अपने मन से चला सकते हैं और कितने भी स्पीड तक चला सकते हैं। आपको बोलने वाला न कोई व्यक्ति मिलेगा और न ही पुलिस। और जो भी गाड़ी ख़राब हो जाए या उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। जाहिर तौर पर आप इस दुनिया के राजा होंगे, लेकिन आपके के राजठाट देखने वाला कोई नहीं होगा। आप मॉल में जाकर कितने भी महंगे महंगे कपड़े और गहने पहन सकते हैं। निश्चित ही आप मुकेश अंबानी से भी अच्छे धनी बन जाओगे, तब भी आपको थोड़ा भी खुशी नहीं रहेगा। चाहे आपके पास भारत का या दुनिया का पूरा पैसा आपके पास हो जाए, तब भी आपके पास खुशी नहीं होगा। इसलिए आप जिंदा रहने का शौक ही छोड़ दोगे। लेकिन आप जिंदा बच भी जाते हो तो आप वास्को डी गामा जैसे पूरे दुनिया का सैर करिए। अगर आप पायलट नहीं हैं तो जहाज़ तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन आप पानी के जहाज़ और गाड़ी तो चला सकते हैं। तो इसका कोशिश करिए और इसका ही चुनाव करिए, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले आपको किसी पहाड़ी पर घर बनाना होगा या पहाड़ी पर बसना होगा, क्योंकि इंसान के ना रहने से सारे नदी के बांध टूट जाएंगे। इसी कारण मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, इसलिए आपको पहाड़ पर बसना सही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ महीनों तक आपको दुकान और मॉल में रखी खाने वाली चीज़ों से आप अपनी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, एक दो वर्ष के बाद भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जल्द ही खेती करना सीखना होगा, और उसके बाद आपको हथियार चलाना भी सीखना होगा, क्योंकि शहरों में इंसान के ना रहने के बाद जंगली जानवर की संख्या बढ़ जाएगी, और चिड़ियाघर में के भी जो जानवर बचे हैं वो बाहर निकलकर आप पे हमला करने लगेंगे। इसलिए आपको जान बचाने के लिए हथियारों का ज्ञान होना ज़रूरी हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत हमारे पाले जाने वाले जानवरों का खाना नहीं मिलने के कारण वो मरने लगेंगे। लेकिन आप एक ही मकसद रखिएगा कि अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला साथी का तलाश करिएगा, अगर एक आप महिला हैं तो पुरुष साथी की तलाश करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विपरीत साथी जो मिल जाएगा तो उससे आप अपना परिवार बना सकते हैं और फिर से दुनिया चला सकते हैं। तो देखिए क्या होगा जब आपके साथ ऐसा दृश्य किसी दिन देखने को मिल जाए, तो आप उस वक्त क्या करिएगा, उस परिस्थिति में कैसा निर्णय लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इस
वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए अपने दोस्त को भी बताइए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन फटाफट अपने दोस्त को शेयर जरूर करिएगा। तो ओके, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।